दो तीन महीने बाद भाई अब मैं ये सलाह दूंगा कि कोई मतलब टाटा टेरियर जानता है, दिल तो जानता है भाई कि 3 महीने में वायरस का नाम ले दिया उन्होंने भाई हंसी के पीछे दुख है वो अंदर से मैं जानता हूँ। मैं साथ में तीन ही महीने तू है गाड़ी को, अभी से ऐसे वायरस वगैरह ये सारी चीज जाएंगे तो कैसे काम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल पवार ब्रदर्स। तो कैसे सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज दोस्तों आपके सामने है टाटा हैरियर। तो भाई ये वही टाटा हैरियर है जो मैंने आज से 2-3 महीने पहले, एग्जैक्ट डेट तो मेरे को याद नहीं है, तब अपने मौसा जी को दिलाई थी। ये मतलब मैंने आइडिया दिया था कि भाई टाटा हैरियर लो, वो तो सोच रहे थे एक्स यू वी 700 की और दूसरी कोई गाड़ी की। तो मैंने कहा था कि ब्लैक कलर में टाटा हैरियर ले लो, ठीक है। उन्होंने मेरे कहने पे ये गाड़ी ले ली। तो अब 2-3 महीने बाद भाई अब मैं ये सलाह दूंगा कि कोई मतलब टाटा हैरियर, वो इस वजह से क्योंकि भाई इसमें ना बताता हूँ, पहले आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ मैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर बातें करते हैं अंदर चल के। चलो भाई अब तो शुक्र है खुल रहे हैं, वरना ये भी ना खुल रहे थे इसके। आ जा अंदर बैठते हैं। हाँ तो भाई अब आप बैठो मैं अपनी हैरियर गाड़ी में, तो अब करते हैं इसकी बात, पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसको। आवाज बहुत ज्यादा कर रही है, इतने तो थार भी ना करे। हाँ तो भाई एक जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ना इसमें, ये देखो तीनों मोड ऑन हुए पड़े हैं, इसका समझ नहीं आ रहा। मैं जैसे कल से यहाँ आया हुआ हूँ तो ये गाड़ी चला रहा हूँ तो तीनों ही मोड ऑन हुए पड़े हैं, पता ही नहीं यार क्यों हो रहे। तो उनसे पूछा तो वो बोले इसमें कोई वायरस आ रखा है, वायरस यहाँ पे आके ठीक करा लो। तो मेरा ये मानना है कि भाई 3 ही महीने तो हैं गाड़ी को, अभी से ऐसे वायरस वगैरह ये सारी चीज़ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा टाटा वालों, इसलिए तो लोग तुम पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे। अब एक चीज़ और बताई थी मेरे को कि भाई मन होगा तो खुल जाएगी गाड़ी, ना मन होगा तो ना खुलेगी, जैसे अभी डोर कवर ने बताया था आपको। हाँ तो भाई मैं बता रहा था आपको कि ये जैसे तीन मोड दिखा रहा हूँ, तो गाड़ी चल रही है नॉर्मल होता है कि एक मोड पे गाड़ी चलेगी कि भाई एक मोड लगा दो तो उस पे गाड़ी चलेगी, ये तो अपने तीनों पे ही चल रही है। तो वो चीज़ समझ नहीं आ रही, अपना अभी गाड़ी वो बता रही है कि भाई हमें खुद को नहीं पता कौन से मोड पे चल रही है, सच बताऊं तो, क्योंकि तीनों ही मोड होने। फिर भाई दूसरी बात, अब मैं जैसे इसको गाड़ी को कल से चला रहा हूँ तो पिकअप नहीं ले रही है गाड़ी बिल्कुल भी, मतलब जो होना चाहिए ना उस हिसाब का पिकअप ही नहीं आ रहा। डीजल की गाड़ी है तो बड़ा मैनुअल है, ऑटोमेटिक भी नहीं है, तो उस हिसाब से पहला गियर लगा कर बढ़िया पिकअप होना चाहिए, गाड़ी में उतना पिकअप भी नहीं है। और इन सब का रीज़न उन्होंने बताया कंपनी वालों ने, मैंने उनसे बात की कि भाई ये वही है वायरस आ रखा है गाड़ी में, आ जाओ ठीक करा लो। तो सर क्या कहना है आपका इस बारे में? अब मतलब नई कार है तो ऐसे वो ये नाम एक्सपेक्ट तो ये करते ना, डीजल ही कार है हाँ। तो वो पिकअप वाली बात है हाँ। बस में ये भी बात सही है कि भाई पहले ही 3-4 महीने के अंदर अगर वही कह, यही तो बात है। अब महिंद्रा है जैसे मान ले, थार होगी स्कॉर्पियो होगी, लोग क्यों ले रहे हैं? इस कारण ही तो ले रहे हैं कि भाई गाड़ी खराब ना हो हमारी, कोई ऐसी दिक्कत ना आवे। जैसे कि आपने कही बात ये है ट्रस्ट की हाँ। ऐसे ट्रस्ट तो बिल्ड नहीं हो पाएगा ना कंपनी के, नहीं हो पाएगा इतनी। और भाई ये आपकी हैरियर के साथ नहीं है, मैंने ना 2-4 है मेरे सर्कल में लोग, मतलब ऐसे किसी की कोई टायर फट रहा है, किसी की बैटरी खराब हो रही है अगले ही दिन, मतलब ये सारी चीजें आ रही है अब सामने आ रही है बात सारी, कस्टमर के ट्रस्ट की ऐसे बिल्ड नहीं हो पाएगा ना। हाँ हाँ मैं मानता हूँ इंडियन कंपनी काफी ठीक है, रिस्पेक्ट है, लेकिन यार ये मतलब इसका ऐसा है कि मार्केट में खड़े हैं और धूप है हाँ, तो ये 10-12 बार ही बटन दबाएंगे ऑन ही नहीं होएगी है, ये हाँ, नई बात बताई थी ना हाँ, और ये तीनों मोड ऑन हाँ, है इसके हाँ, 10-12 बारी कभी ये ऑन भी नहीं होती हाँ, हो सकता है सारा उसे की वायरस की वजह से, पर वही बात पर चक्कर तो ये भाई 22-23 लाख रुपए के लिए और वायरस क्या है मेन बात ये ना, ये क्या आपको कंप्यूटर वम्प्यूटर थोड़े वायरस आ गया। और दूसरी बात, अब मैं गाड़ी जैसे चला रहा हूँ तो भाई बिल्कुल मजे नहीं आ रहे, गियर में भी क्लच दबा के गियर लगा रहा हूँ तो कल तेरे देखा ना 2-3 बार मेरे से बंद हुई गाड़ी, हालांकि वैसे गाड़ी बंद नहीं होती, ऐसे पता नहीं यार बंद क्यों हो रही है गाड़ी, बंद क्यों 2-3 बार बंद कैसे। हाँ अब मेरी चीज समझ में आई ना कि भाई दिक्कत यू है, तो हमें तो नहीं पता छोटी दिक्कत है बड़ी दिक्कत है कुछ भी हो सकती है, इंजन में ना तू घुस के बैठा ना मैं घुस के बैठा। बाकी अगर टाटा हैरियर इन जनरल बात करे की सबके साथ, तो अगर किसी एक इस गाड़ी में वायरस है हाँ। तो पूरे पूरी हैरियर को जज नहीं कर सकते, पर अगर 3-4 गाड़ियों में आ रही है ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो दिक्कत है आ रही है। एक तो मेरा दोस्त था, एक भाई ने वीडियो डाल रखी है, उसकी गाड़ी के साथ क्या हुआ, नेक्स्ट डे ना टायर फट गया, शोरूम तो निकाली नेक्स्ट डे टायर फट गया। सोचो ना एक इतनी 23 लाख की गाड़ी ली है, नेक्स्ट डे टायर फट गया, और उससे नेक्स्ट डे उसकी बैटरी खराब होगी, ये तो फिर वही बात है बैटरी खराब होगी। अब सोच तो नई कार की बैटरी, अब हम नई गाड़ियां ले रहे हैं 18-20 लाख रुपए लगा के, तो क्यों ले रहे हैं, ये तो बात है। बात वही है पैसे की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, वायरस 3-4 महीने के अंदर अगले दिन टायर फट जाना है तो फिर वो बात है ना। और भाई कुछ ना, बस 6,800 किलोमीटर चलाइए गाड़ी अपनी,
इतना तो स्कूटी भी कुछ नहीं पड़ती है तो स्कूटी कितनी चलाओ यार, यह हिसाब तो तेरी जैसे मारुति की गाड़ी सबसे बढ़िया है, पीछे वैगनर खड़ी है, कितनी चलाओ कितनी चलाओ गाड़ी हारी ना माने, सालों सालों हो जाते साल हो जाते। हाँ यार ये तो अब हमने क्या करा भाई, मैंने सच बताऊ ना इतना कुछ दिमाग लगाया नहीं कि ऐसे खराबी भी हो सकती है कुछ भी, मैंने इसकी लुक देखी और आजकल जर्नल में जो लुक है ना इसकी तगड़ी है, ठीक है सब लुक ही देख रहे हैं गाड़ी की, लुक देखी मैं यार गाड़ी ठीक है तो दिला देता हूँ मौसा जी को ये गाड़ी। अब यार बाद में खुद को मुझे ये हो रहा है कि काश उस टाइम पे ये होता कि यार लुक तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, हाथी सी है, फॉर्च्यूनर की टक्कर की गाड़ी है दिखने में मान ली, लेकिन किसी फॉर्च्यूनर वाले ने आज तक ये चीज शेयर नहीं करी होगी कि उसकी गाड़ी में वायरस आ गया, आज तक ना सुनी। मैं तो गाड़ियों में मतलब है थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत, तो आज तक भाई किसी से ये चीज नहीं सुनी कि गाड़ी में वायरस आ गया और इसका ये सब चीज ठीक चल रही है। ये तो सही चल जाता है, अभी मेन दिक्कत तो इसके वायरस की है, उसकी वजह इसकी पिकअप नहीं हो रही। हाँ। तीनों ये मोड ऑन है, ये देखो ना भाई तीनों ही मोड ऑन चल रहे हैं गाड़ी, हमें नहीं ना पता लग रही कौन से मोड में चल रही है कौन से मोड में ना चल रही, तो भाई कहानी तो बेकार हो रखी है। हैरियर वालों टाटा वालों ऐसे मत करो यार, तुमसे प्यार है हमें, तुम्हारी इज्जत करते हम और तुम हमारी इज्जत करो, हमसे प्यार करो, हमारे जो प्यारे प्यारे कस्टमर इनको तो वो है जब जाएंगे उनसे देखेंगे वो क्या बात बोलते हैं इस वायरस के बारे में। मेरा तो मानना है ये जाने की जरूरत ही ना पड़नी चाहिए कि 10 साल पुरानी गाड़ी थोड़ी है ना, वो तो सारी बात डिस्कस और फिर सर्विस ऐसी होनी चाहिए कि अब घर पे आके इसको ठीक करके जाए, जब कस्टमर की मैं मान रहा हूँ चलो दिक्कत आ रही है तो घर पे आके ठीक करके जाओ भाई, पैसे किस बात के लिए, ये थोड़ी की 23 लाख की गाड़ी, नई गाड़ी लेते क्या, आ जाओ ठीक कर देंगे, ये कोई बात नहीं भाई, बहुत मतलब है। और मैंने बताया आपको चलाने में वही सेम प्रॉब्लम आ रही है। हाँ तो भाई साहब अभी ये बताओ, बुराई तो हम बहुत कर रहे हैं गाड़ी की, अच्छी लगी कुछ मतलब बातें, अच्छी मतलब इसका जो वो है बढ़िया बात ही ज्यादा है, अगर वायरस को आप हटा दो तो बात लुक की आ जाती है, ठीक है यहाँ से अब ये करते सीधा सनरूफ भी नहीं से मून रूफ है भाई, ये मतलब कुछ ज्यादा ही तगड़ी है, और किसी गाड़ी में इतनी अच्छी नहीं लगती मतलब लुक की, जैसे हमने बताया हाथी जैसे है, तो जैसे मैं लेके जाता हूँ कॉलेज या मतलब नॉर्मल उस रोड पे चढ़ते हैं तो इतनी बड़ी कार को देख के ऐसे भीड़ छट जाती है इसके आगे से, तो वायरस को अगर हटा दो तो टाटा है तो एवरेज आ जाएगी, आ जाएगी लुक इसकी बिल्कुल आज की गाड़ी की बिल्कुल टक्कर की है, टक्कर ना बात ऊपर है की है, एक्सयूवी सब के ऊपर है मैं पर्सनली कहूंगा ऊपर है आगे पीछे से, तो अगर वायरस को हटा दो वो भी अभी देखते हैं जब कल परसों जाएंगे आप के साथ, देखेंगे गाड़ी वाले क्या बोलते हैं, क्या बोलता है अभी तो उन्होंने वायरस का नाम दिया, क्या पता कुछ और आफत हो या कुछ छोटी आफत हो, हम सजेस्ट थोड़ी कर सकते हैं, दो से तीन प्रॉब्लम बताई उन्होंने, दो से तीन का प्रॉब्लम का है कि वो बता दिया कि एक वायरस है, उससे ज्यादा कुछ बताया नहीं, वहाँ जाएंगे देखेंगे वायरस है कुछ और भी है या सिर्फ छोटी सी एक दिक्कत थी, कंपनी फिटेड में भी तो कोई पीछे से मेल फंक्शन हो जाता है ना, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल तो गाड़ी बढ़िया है, बढ़िया है। फिर एक बात और बता, मैंने तो तुम्हें दिला दी गाड़ी, तुम पर्सनली सजेस्ट करोगे, पर्सनली सजेस्ट कर सकते हैं भाई, कैसे अभी प्रॉब्लम तो फेस कर रहे हो सर, ये तो भाई अब वो है ना क्या कह सकते हैं मशीनरी, इसके अलावा इसके आसपास की इसके रेंज की कौन कौन सी गाड़ी है 22-23 लाख की, ये होगी 700 है MG Hector है जी भाई, 700 की तो तू ही बता दे, 700 की तो लोग इसको कम से कम बेच रहे हैं, नहीं आ रही कि बेचनी पड़ जाए हमें, बेच रहे हैं वायरस है ठीक करवा के आ जाएंगे भाई, एक्सयूवी तो ये है कि पीछे से कंपनी तो नहीं रोक रही इसकी प्रोडक्शन, बेच रहे उसको तो बीच में कंपनी प्रोडक्शन बंद कर रही है, बंद कर दी थी एक्सयूवी की, हाँ हाँ, तो सोच आज रेंज में और कौन है, हेक्टर है, हेक्टर है उसका तो नाम ही मत लो, उसका नाम मत लो भाई, अब सोच बची ये कंपटीशन यही है, ये होगी हेक्टर होगी 700 होगी, स्कॉर्पियो है, क्या कहना है भाई तेरे को ज्यादा पता होगा, स्कॉर्पियो ये नहीं है इसमें, ऐसी चीजें नहीं है, मून रूफ नहीं है, ये चीजें नहीं है मतलब लुक होगी बेसिक है ना, वो बेसिक है स्कॉर्पियो, ये फिर थोड़ा इसका मून रूफ ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, ऐसा कह सकते हैं, ये थोड़ी होगी पढ़े लिखे हुए मतलब शहरी टाइप लोगों की, वो होगी थोड़ी ऐसी, रफ टफ टाइप है, तो मतलब अलग अलग चीजें है दोनों, इन स्कॉर्पियो और इसका तो कोई कंपैरिजन होगा नहीं, लेकिन भाई ये है हैरियर, तो सर इसका इलाज करवाते हैं, इसका इलाज करवाते हैं, बाकी यही है ना, अगर ये देखने की भाई गाड़ी लेते कैसे है, यही तो देख के लेते ना कि कंपैरेटिवली कि भाई सच बताओ इन भाइयों को इतनी नॉलेज नहीं है ये मेरे कहने पर पागल बन गए इसने मेरे से पूछा भाई आ जा गाड़ी दिला, तो मैं भी झट से मैं चल भाई गाड़ी का अरेंजमेंट करवाते हैं, देख ले देख ले,
और मेरे उससे लगा नहीं होगा, मैं कहते ऐसे बता दे गाड़ी का भाई यही ले लो, स्कॉर्पियो मत लो, एक्सयूवी मत लो, ये एक्सयूवी 700 पे जा रहे थे, अब लगता है कि 700 ही ठीक थी, मत बेचते और चला लेते 700 का भाई, अब जो घर में गाड़ी नहीं खड़ी उसकी एकदम से ऐसे निकल सकता ना, ला लो कहने तो पड़ेगी। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया, पर दिल जानता है, दिल तो जानता है भाई की 3 महीने में वायरस का नाम ले दिया उन्होंने भाई, हंसी के पीछे दुख है वो अंदर से मैं जानता हूँ, मैं साथ में बैठा हूँ भाई के, तो हैरियर वालों प्लीज ऐसा मत करो यार। वैसे देख फिनिशिंग वगैरह देख कितनी प्यारी है, मैं ना बोलूँ ही कुछ फिनिशिंग अपने बाड़ में गई, बाड़ में गई, बहुत दुख हो रहा है भाई को, फिनिशिंग का क्या करें, मोड तीनों ना भाई, तीनों मोड हो ना, अब भी फिनिशिंग का क्या करें, अब भी हो ना मोड, अब तो खड़ी है चल भी ना रही, सिंपल होना है। और धूप में भाई ने जैसा बताया गाड़ी 6-7 बार करेंगे तब जाकर कुछ होगा, पसीना मेरी शर्ट भीग गई, जून का महीना है तो मान तो छोटे छोटे प्रॉब्लम है, लेकिन यार क्यों है, क्यों है आने नीचे, असली तो ये ना हंसी मजाक से हटके कि क्यों है, तो यही है भाई, टाटा वालों सोल्व करो, और तो कुछ ज्यादा हम कहेंगे नहीं क्योंकि आई लव यू। मिलते दोस्तों कल आपसे नई वीडियो के साथ रात 8 बजे। उम्मीद करता हूँ आपको जो अपनी वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड चैनल को कमेंट चैनल को सब्सक्राइब, पावर ब्रदर्स, लव यू ऑल, ओके।